नमस्कार, मैं हूं आर्टिस्ट शाहिद पाशा और आप देख रहे हैं आर टीवी कर्नाटका। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी कला के क्षेत्र में अद्भुत कार्य करती आ रही है और समाज में इसका योगदान बढ़ा रहा है। इससे जुड़े हुए पदाधिकारी यानी कि गवर्निंग बॉडी मेंबर्स सारे कलाकार हैं और वो सक्रिय रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन रखा गया था और इस साल ऑफलाइन यानी कि 130th ऑल इंडिया एनुअल आर्ट एग्जीबिशन जहांगीर आर्ट गैलरी में रखा गया है, जो 1 मार्च से 7th मार्च 2022 तक रहेगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकार विजेताओं को कुल 5,30,500 रुपये की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी और इस वर्ष महाराष्ट्र गवर्नर अवार्ड 25,000 रुपये से घट के 1,00,000 रुपये की राशि और एक मेडल विजेता को दिया जाएगा। सबसे पहले इस प्रदर्शनी से जुड़ी हुई कुछ बातें सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र पाटिल जी से हम सुनेंगे और अंत में प्रॉस्पेक्टस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें वीडियो में दिखाई जाएगी। नमस्कार, द बॉम्बे आर्ट सोसाइटीज ऑल इंडिया एनुअल आर्ट एग्जीबिशन इज द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑन द कैलेंडर ऑफ विजुअल आर्ट्स इन द कंट्री। लास्ट ईयर इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, बट दिस ईयर Bombay Art Society is delighted to announce its 130th All India Annual Art Exhibition in physical form at Jahangir Art Gallery from 1st March to 7th March 2022. The entries are invited from artists in professional as well as student category. This year there are 28 awards in professional category and 16 awards in student category. All the details about how to submit entries are given on our website bombayartsociety.org. Please do submit online entries in JPEG format files at bombayartsociety@gmail.com. The entry fees payment can also be made online from our website. The last date to submit entries is 15th January 2022. Thank you. हर साल की तरह बॉम्बे आर्ट सोसाइटी इस साल भी प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट कैटेगरी में एंट्रीज को इनवाइट किया है। प्रोफेशनल कैटेगरी में टोटल 28 अवार्ड्स रहेंगे और महाराष्ट्र गवर्नर अवार्ड 25,000 रुपये की राशि से घट के 1,00,000 रुपये हो चुकी है और स्टूडेंट कैटेगरी में टोटल 16 अवार्ड्स दिए जाएंगे और इस वर्ष कुल 5,30,500 की राशि कैश प्राइज के तौर पे कलाकारों को अदा की जाए। प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार रहेंगे। भारत की किसी भी शैली में काम करने वाले कलाकार इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जहां तक कैटेगरीज की अगर बात करें तो पेंटिंग्स में लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट एंड फिगरेटिव आर्ट इंक्लूड है। स्कल्पचर्स, ग्राफिक, ड्राइंग एंड फोटोग्राफी के लिए अलग से प्राइजेस दिए जाएंगे। इसमें इंडियन स्टाइल यानी कि भारतीय या पारंपरिक चित्र कलाकारों के लिए भी भाग लेने का शुभ अवसर उपलब्ध है। फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स के लिए रूल्स रेगुलेशंस कुछ इस प्रकार हैं। इसमें पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पिक्टोरियल, वाइल्ड लाइफ, क्रिएटिव, अब्स्ट्रैक्ट, डिजिटल आर्ट, स्टिल लाइफ, किसी भी विषय पर आप फोटोग्राफ भेज सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि 2019 से पहले के फोटोग्राफ्स को नहीं चयन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में मल्टीपल एंट्रीज यानी कि एक से अधिक कलाकृतियों को आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए भेज सकते हैं। प्रोफेशनल कैटेगरी में फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। एक एंट्री के लिए 600 रुपये, दो एंट्रीज के लिए 1,000 रुपये और 4 एंट्रीज के लिए 2,000 रुपये अदा करने होंगे और स्टूडेंट कैटेगरी में एक एंट्री के लिए 300 रुपये, दो एंट्री के लिए 500 रुपये और 4 एंट्रीज के लिए आपको 1,000 रुपये अदा करने होंगे। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी लाइफ मेंबर्स के लिए पर एंट्री 100 रुपीज डिस्काउंट दिया जाएगा एंड टू एंट्रीज के लिए 200 रुपीज डिस्काउंट। और साइजेस की अगर बात करें तो पेंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफिक्स के लिए मिनिमम साइज 18x18 एंड मैक्सिमम साइज 48x48 इंचेस रहेगा और फोटोग्राफी कंपटीशन के लिए मिनिमम साइज
12x18 इंचेस रहेगा और मैक्सिमम साइज 36x48 इंचेस। डिजिटल इमेज सबमिट करने के लिए पिक्सेल का साइज रहेगा 2100 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और मैक्सिमम साइज 2500 पिक्सेल्स। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इमेज जेपीजी फॉर्मेट में होना बहुत ही जरूरी है। पर इमेज फाइल में आर्टिस्ट का नेम, कैटेगरी जैसे कि पेंटिंग, ग्राफिक, स्कल्पचर्स, ड्राइंग मेंशन करना होगा और एग्जिबिट का टाइटल डायमेंशन इंचेस में मीडियम और इंडियन प्राइस आपको इसके अंदर मेंशन करना है। ईच इमेज फाइल नेम एग्जांपल के तौर पर नीचे दिया गया है, आप कुछ इस प्रकार से लिखें। सबसे पहले अपना नेम, कैटेगरी, टाइटल, साइज, मीडियम और इंडियन प्राइस मेंशन करें। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी कलाकार 12% GST और 25% बॉम्बे आर्ट सोसाइटी कमीशन को जोड़ते हुए अपना प्राइस मेंशन करें। प्रदर्शनी के समय खरीदी गई कलाकृति के कुल राशि में 12% GST और 25% सोसाइटी कमीशन को काटते हुए 63% की राशि कलाकारों को दी जाएगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी कलाकार ऑनलाइन फी पे करने के लिए www.bombayartsociety.org विजिट कर सकते हैं या तो आप बैंक के जरिए ऑनलाइन पे कर सकते हैं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का बैंक डिटेल्स यहां पर दिखाया गया है। एप्लीकेशन फी जमा करने के बाद जो कंफर्मेशन पेज होता है उसे आप अपने एंट्री के साथ ईमेल कर सकते हैं info@bombayartsociety.org पे। ऑनलाइन डिजिटल एंट्रीज जमा करने का डेट है 25 नवंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक। सेलेक्टेड एंट्रीज आप एग्जीबिशन के बाद 7 मार्च 2022 जहांगीर आर्ट गैलरी से कलेक्ट कर सकते हैं। शाम 6 से 8 बजे इसका समय रहेगा या तो आप 7 अप्रैल से पहले बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या प्रॉस्पेक्टस के लिए आप www.bombayartsociety.org को विजिट करें या तो फिर आप bombayartsociety@gmail.com या info@bombayartsociety.org पे ईमेल रिक्वेस्ट भेजकर भी आप प्रॉस्पेक्टस मंगवा सकते हैं। सेलेक्टेड एंट्रीज यानी कि ओरिजिनल वर्क आप इस पते पर जमा कर सकते हैं। बेंद्रे हुसैन स्कॉलरशिप या लालीबाई धर्मदास बमबानी स्कॉलरशिप स्कीम की अधिक जानकारी के लिए www.bombayartsociety.org पर विजिट करें। इसी तरह के आर्ट एक्टिविटीज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप आर्ट टीवी से जुड़े रहिए। अभी तक ये आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि सारे न्यूज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। So, मिलते हैं अगले न्यूज में, तब तक के इजाजत दीजिए शाहिद पाशा को। प्लीज सब्सक्राइब आर टीवी कर्नाटका, कर्नाटकाज़ फर्स्ट आर्ट न्यूज चैनल।